हेलो फ्रेंड्स, ये है IFB की 6.5 kg की वॉशिंग मशीन जो मैंने अभी एक्सचेंज ऑफर से ली है अमेज़ॉन से। और आज कंपनी की तरफ से ये घर में इसे इंस्टॉल करने के लिए आए हुए हैं। और इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है। ये सिल्वर कलर का मॉडल है और इस पे है लिखा हुआ एक्वा एनर्जी इको सेविंग्स। इसमें काफ़ी सारा पानी जो है वो सेव होता है, इसलिए मैंने ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ली है IFB की। और मेरे लिए 6.5 kg अप्रोप्रिएट है, तो मैंने वही ली है। इस मशीन पर 4 ईयर की सुपर वारंटी है और 10 ईयर्स का स्पेयर सपोर्ट है, यानी कि पार्ट्स अगर ख़राब हो जाएं तो 10 ईयर्स तक वो दे देते हैं कंपनी वाले। इस मॉडल का नाम है सेनोरिटा एक्वा SX 6.5 kg विद 1000 RPM। इसका फायदा क्या होता है वैसे, ये जो आप ये खोल रहे हो? ये पैकिंग भी नहीं होता मैडम जी, मतलब अंदर से मशीन डैमेज नहीं हो गया। अच्छा, अंदर से? हाँ, ये ड्रम को लॉक कर देती, हिलने नहीं देती मशीन को। अच्छा, अंदर जो टब है उसको लॉक कर देती है। अच्छा अच्छा ये ऐसे लगा के आती ताकि ट्रांसफर में खराब ना हो, है ना? तो ये हम रख लेंगे फिर। ये पैकिंग है सर जी, अच्छा निकलने मशीन पैकिंग है, इसके बगैर आप मशीन ला सकते। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसके अंदर ऐसे स्क्रूज हैं जो उनको फिट करने के बाद एक टब जो है वो पूरी तरीके से लॉक हो जाता है, ताकि ट्रांसफर में ये मशीन खराब नहीं होगी, इसका टब जो है वो लूज नहीं होगा। क्योंकि हम तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर वाले लोग हैं, और जो भी लोग फ्रीक्वेंटली ट्रांसफरेबल जॉब में हैं उनके लिए आई थिंक ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरीके से इसको पैक किया जा सकता है। बिकॉज हम लोग कई बार शिफ्ट करते हैं और उसमें हमारे ज़्यादातर अप्लायंसेस जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे ये बात सच में इसका बहुत अच्छा लगा, ये फीचर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये एक के बाद एक सारे स्क्रूज इन्होंने निकाल दिए और अब मैं इसको संभाल कर रख लूँगी। ये क्या है? रैट मेश। ओके, क्या क्या चीजें आ गई? नहीं, 1600 का है। जब कंपनी वाले इंस्टॉल करने आते हैं तो वो अपने साथ स्टैंड और मशीन कवर भी साथ में लाते हैं। तो हमने IFB कंपनी की तरफ से जो स्टैंड आया था वही ले लिया, और इसका कॉस्ट प्राइस 1600 रुपीज़ है और कवर का 650। नहीं, हमने ये इसलिए ली है क्योंकि हमारे पास बाहर मशीन रखने की जगह नहीं है ना, तो दरवाजे छोटे होते हैं ना, फंस जाता है। फिर मेरे पास भी 8 kg की यही मशीन है, ये मॉडल 8 kg के टाइम पे तो भग जाएगी मशीन। हाँ, इसको फिक्स करना पड़ेगा, जैसे हम गाड़ी के स्टेप नहीं चेंज करते हैं ना, ये कहीं अगर हिलेगी नहीं, हिलेगी ना, हिलेगी ना, भूल जाते हैं कैसे किया था। नीचे खाली है मैडम जी, ऐसी ऊपर से भी खाली है। अच्छा, यानी कि आपने कपड़े इतने डालने हैं कि 30% आपकी मशीन खाली रहनी चाहिए, 70% आपके कपड़े होने चाहिए। ठीक है जी, जैसे कि आपका एक कट बना हुआ है, ये 30% ऊपर से खाली है। अच्छा, इसके बाद ये दरवाजा बंद करेंगे, यानी कि अंदाजा इसमें कपड़े डाल सकते हैं। नॉर्मल पैंट सेट है आप 12 से 15, 1500 ऊपर नहीं जाओगे, कम से कम 12। और इसमें मिनिमम कितना, कम से कम कितना? कम से कम 6-7 जोड़ी होने चाहिए, मतलब कम से कम 7 या 8। अच्छा, ठीक है। एक दो धोगे तो उसमें साफ भी नहीं होंगे, एक दूसरे को रगड़ने के लिए भी चाहिए होता है। ठीक है। और अगर अलावा, उसके अलावा अगर आपने ज्यादा कपड़े डाले, कपड़े साफ नहीं होंगे, वॉश क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ये यहाँ तक ही आना चाहिए, मतलब वॉश क्वालिटी नहीं आएगी और मशीन है ना वाइब्रेट करेगी। ठीक है। और सिरप भी कम डालना आपने, सिरप 1 चम्मच से ज्यादा नहीं डालना। ठीक है। अब ये देखिए, ये प्रोग्राम है, जैसे कि आपका पहला है कॉटन, ये कॉटन वॉश, ठीक है जी, पहला कोल्ड है, यहाँ स्पेशल वॉश, यहाँ भी कोल्ड है आपका, कोल्ड एक कोल्ड, एक कोल्ड ठंडे से आगे बढ़ेंगे, ये आगे कोल्ड करेगा अपने आप। इसके बाद ये नॉर्मल चार्ज टेम्परेचर,
साथ टेम्परेचर, टाइमिंग भी दिखाएगा यहाँ पे साथ साथ 90 डिग्री पे 2 घंटा 2.5 मिनट मतलब 2.5 घंटा अलग अलग। ये जैसे जैसे प्रोग्राम आप लिखा हुआ ना ये सब कपड़ों के हिसाब से उस हिसाब, और जो आपका डेली का चलेगा ना सर जी, डेली का ये वाला चलेगा जी, मिक्स फैब्रिक, मिक्स फैब्रिक, कोल्ड, अच्छा अच्छा ये चलेगा, नहीं कोल्ड नहीं है, अच्छा है टेम्परेचर है वो अपने आप बना लेगा, अपना आप बना लेगा, ये अपना 40 डिग्री है इसमें आप डेली का चलने वाला। और अगर भाई ये बोलन स्वेटर वगैरह बच्चों के बेबी केयर ठीक है ये वाला, और ये जो 15 मिनट का प्रोग्राम है मनोज जी ये आपको उसके लिए जैसे हम शादी में जाते हो या कहीं अच्छा, बाहर जाते हो हाँ, या पार्क हो जाते हो ओनली हाँ, पसीने की बदबू निकालने के लिए अच्छा, साफ अच्छा, नहीं करेंगे अपने कपड़े, जिम वगैरह के बोले लाइट लेकिन कपड़े आप इसमें सिर्फ नाम का सर्फ डालना, अच्छा जैसे एक चम्मच डालते हो ना उसको चौथा से कर देना, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ये बाकी। आप जब भी कोई भी प्रोग्राम लगाएंगे जैसे मान लो मैंने मान लो ये प्रोग्राम लगा दिया 15 मिनट वाला और लास्ट में हम इसको दबा ये स्टार्ट है मशीन आपकी, और ये नलका आपका खुला ही रहेगा, अच्छा वो अपने आप ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, कट हो जाएगा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है अपना जितना पानी लेना होगा लेगा अपने आप ले लेगा, ठीक है अच्छा। जैसे लिक्विड वगैरह डालना हो तो इसके लिए, अगर सिर्फ डालना है तो इसमें डालना आपने, इसमें हाँ इसमें डालना सिर्फ ये लिक्विड का है, ये लिक्विड का है मतलब लिक्विड यूज करता है ठीक है, ये एक्चुअली कहते हैं कि इसलिए होता है ना लिक्विड तो आपका इसमें पड़ा रहेगा तब पानी आएगा तो ही उठाएगा हाँ। और जो सरफ आप इसमें डालोगे ना तो सरफ तो पानी आएगा तभी ले जाएगा, तो इसमें अगर आप डायरेक्ट में लिक्विड डालोगे इसमें डालोगे तो लिक्विड बहके ड्रम में चल जाएगा, ड्रम में जाने को तो मशीन ऑन होगी तो ड्रेन आउट हो जाएगा, जब हम इसमें सर्फ डालेंगे तो फिर ये नहीं लगाना है ऊपर, ये नहीं लगाना है ना, ये जब हाँ सिर्फ और ये वाला कितने ये सर जी ये भी सरफ के लिए अगर ज्यादा गंदे कपड़े ना जैसे कि प्री वॉश बहुत ही ज्यादा गंदे कपड़े हैं, अच्छा ये है वाइट जो बच्चों प्री वॉश प्री वॉश है ना, और ये आपका मेन वॉश के लिए वैसे अधिकतर एक ही चम्मच इसी में डाल ज्यादा सर जी नेल के लिए डिटॉल्स के लिए, अच्छा नेल डिटॉल्स जैसे नील हो गया नील या डिटॉल डालना है कुछ भी खुशबू वाला कपड़े वगैरह वो डाल सकते हैं ठीक है, तो ये शुरू में डाल देंगे कि पहले तो वॉश होगा ना, सब कुछ डाल के अंदर तक सब कुछ डाल दो लगाओ लगा के चले जाओ वो लास्ट में लेगा पानी चाहिए तो लेता रहेगा पानी नहीं चाहिए लास्ट में लेगा अपन वाला ये लास्ट में लेगा, अगर नील भी डाला ना आपने तो लास्ट में लेगा, हां मैंने कहा शुरू में ना हां कंपनी भी डाला तो वो भी लास्ट में लेगा। इस मशीन में ये फैसिलिटी है कि अगर आप कुछ डालना भूल गए हैं तो आप पॉज का बटन दबाकर फिर 3 मिनट के बाद कपड़ा ऐड कर सकते हैं, या अगर कुछ कॉइन वगैरह अंदर छूट गया है तो वो भी निकाल सकते हैं, और अगर आप स्विच ऑफ कर देंगे तब भी 3 मिनट के बाद आप मशीन खोलकर आप चीज़ निकाल सकते हैं। आपके पास लोड पूरा नहीं है तो या आप लगा नहीं सकते तो ठीक है कोई बात नहीं, एवरी ऑल्टरनेट डे यू कैन हम चलाएं तो ठीक है, उनको बोलो नहीं तो एक बार वो तो चला लेंगे, चला लो कोई नहीं चल जाएगा इतना तो, चलो आप करो लॉन्ड्री तो आप ही करते हो योर डिपार्टमेंट करके डालना है तो घूमेंगे कैसे अभी तो पापा, अरे पापा हुक वगैरह होते हैं उनसे तो नहीं है ना प्रॉब्लम, हुक को क्या वो ये कि थोड़ा सा अलग अलग कपड़ा करके डालो, बहुत छोटी ले ली हमने मुझे लग रहा है हमारे कारण एकदम सही है, कितने लोग हैं 4 हम 2 और बच्चे 2 मिक्स फैब्रिक एक एक स्टॉप इस जल्दी नहीं लाना एक एक स्टॉप, अच्छा एक 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 करना है, अच्छा एक घंटा लगेगा हो गया, असर डाल दिए वहां तो पॉड जाते थे नहीं एक बार में एक पॉड डाल दो अमेरिका में तो यहाँ पे तो केरु 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 के ओ यही तो गलती बता रहे हो मैं यही देख रहा था भूल गए ना वो बस ज्यादा नहीं डालना है ज़्यादा बस ठीक से हाँ यही बात है कमी डालना है एक बार में बस स्टार्ट है ना बस हो गया सिर्फ नॉब है इजी है इट्स वेरी इजी
नौ घुमाना अपने आप हो जाएगा, ये तो घूम ही नहीं रही। अभी पानी भरेगा पहले तो। चल पड़ी मेरी वॉशिंग मशीन, ये जो है वो तो ऐसी ऐसी है, वो फिल्टर है यहाँ पे, उसको खोल के ना जैसे वो फंस जाता है, लिंट जो फंसता है, लिंट वगैरह निकलता है ये बाहर। हाँ कैसे निकलेगा ऐसे कुछ कॉइन से सिक्के से? और ये ऐसे वो नहीं निकलेगा बाहर, क्यों हो के रखा है वो? ऐसे रहता है जी, ये हर मशीन में ऐसे होता है। अच्छा मुझे लगा कि थोड़ा डिफेक्टिव है ये। ये बाहर क्यों आ रहा है टॉवल का? ऐसी है कोई दिक्कत नहीं, पानी भी यहाँ तक आता है। ओके ठीक है, टाइमिंग भी बढ़ जाएगा अपना। ये सोक का मतलब जैसे हम बाल्टी में ठीक है, ये एस्टर रेंज जैसे पानी लगाएगा और पानी लेगा बाद में साफ कर देगा। जैसे बाहर जाते हो ये इसको बटन दबा दो ना तो साफ कपड़े तो धो देगा लेकिन साफ पानी लेके खड़ी हो जाएगी। तब तक आप इसको ऑन नहीं करोगे तब तक पानी ड्रेन नहीं होगा, मतलब कपड़े बदबू ना मारे उसके लिए। तो अभी तो इसकी जरूरत ही नहीं है प्री वॉश की, तो हटा दीजिए इसको। हटा हुआ वो ब्लिंक कर रहा है ना, इसलिए हो रहा है। ब्लिंक कर रहा तो नहीं है वो। पानी भरेगा इसमें तो रहे हैं वैसे ठीक ठाक। गरम हो रहा है ना पानी? पानी गरम हुआ नहीं हुआ? रिंस हो रहे हैं और काफी साफ, मतलब मुझे लग रहा है कि इट हैज डन रियली अ वंडरफुल जॉब। और मैंने फ्रंट लोड इसलिए लिया था वॉशिंग मशीन क्योंकि हम लोगों के यहाँ कई बार क्या होता है पानी कम होता है, छोटे घर होते हैं, छोटी टंकियाँ होती हैं, तो इसलिए आई थिंक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन दे आर अ वेरी गुड ऑप्शन टू बाय इफ़ यू हैव वाटर स्कैसिटी। ये मुझे पड़ी है 2023 की, इट वाज ओरिजिनली 27,000 और मुझे रिटर्न पॉलिसी के थ्रू क्योंकि मैंने एक्सचेंज की थी दूसरी वॉशिंग मशीन तो उसमें 2,000 रुपीज़ का एक्सचेंज ऑफ़र था और साथ में मैंने अगर आप सिटी बैंक से एक्सिस बैंक से लेते हो तो आपको 2,000 रुपीज़ एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। तो टोटल मुझे ये 23,000 की पड़ गई और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो मुझे सच में चाहिए थे बिकॉज जो भी मैं डेलिकेट कपड़े मुझे धोने होते थे या जो ऑफिस वेयर है मेरे, जो डेलिकेट सूट्स हैं जरी वाले या अगर एम्ब्रॉयडरी वाले कोई कपड़े हैं या इस टाइप के, तो इसमें एक क्रेडल वॉश फैसिलिटी है जिसमें वो झूले की तरह एक्शन होगा लाइक अ क्रेडल और कपड़े अच्छे धुलेंगे। और अभी मैं देखती हूँ कि ये कैसे धुल के आए हैं, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे इसमें फर्स्ट वॉश के बाद मुझे कैसा लग रहा है। ओके सो दिस इज डन नाउ, इट इज ऑफ, ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है एंड इट्स ऑल डन। मैं इसको खोलूं? ओके तो मैंने भी खोला, ये ड्राई भी हो गए? यस। ओके लेट मी सी, ओ यस ठीक ठाक तो धुले। एक्चुअली वो देखती हूँ शर्ट ना, लेट मी चेक। हेलो सी दिस, what do you say? yeah definitely collar is gone good hai na, aur isme koi detergent marks bhi nahi hai aur koi lint jo humko wo top load mein beech beech mein nahi dikhte the lint ke nishan wo nahi hai isme। good yaar nice, very happy। dekho iska ye astin, how many stars are you going to give to this washing machine? maybe 4 or 4, 3 by 4 by out of 5 I think I will give it a 4 out of 5 or probably 4.5 out of 5। you should go for it if you are going for a front load washing machine, if you have water scarcity at your place and if you want a good wash, I think front load washing machine are a better option than top load, and if you are going for a front load washing machine go for IFB, I think I'll give it a thumbs up।